वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम बात करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री की, म्यूजिक की और एंटरटेनमेंट की, और इसका नाम है बिलबोर्ड। जी हाँ, जिस तरह की ये सेगमेंट हमारा जो है शोबिज़ की रगन दुनिया से मुतालिक है, और हम आपको पता है कि उभरते हुए सितारे, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, क्या एक्टिंग हो, फिल्म या ड्रामा हो, और ख़ासतौर पे म्यूज़िक। पाकिस्तान की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी म्यूजिशियंस ने जो है अपना नाम कमाया, बल्कि पाकिस्तान का भी नाम जो है वो बनाया है। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि एक लेगेसी को लेकर चल रही हैं। कितना मुश्किल होता है, बज़ाहिर तो हम समझते हैं कि कोई भी गुनगुना के एक सिंगर बन सकता है, लेकिन कितना मुश्किल है एक लेगेसी को होल्ड करना, और क्या क्या वो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस पर भी उनसे बात करेंगे। मैं तारुफ़ करवा दूँ, आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है शुजात अली खान ने। शुजात, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपको सलाम और आपके देखने वालों को। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं। वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। बिल्कुल, वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। और इन्होंने डिस्कवर पाकिस्तान का थीम सॉन्ग भी गाया है। जी बिल्कुल, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। माशाल्लाह, आप शाम चौरासी के घराने से हैं, फिर एक पटियाला घराना है। थोड़ा सा डिफाइन करेंगे क्लासिकल म्यूजिक क्या है, ठुमरी क्या है, क्योंकि आपके पास तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो मेरा जो ताल्लुक है वो शाम चौरासी घराने से, जो 600 साल पुराना घराना है। हमारे जो बुजुर्ग थे मियाँ चांद खान सूरज खान, उन्होंने अकबर बादशाह के दरबार से उसके बाद फिर मेरे जो ग्रैंड फादर उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान, वो मेरे नाना है नज़ाकत अली खान साहब। फिर मेरे फादर उस्ताद शराफत अली खान, अब मेरे चचा उस्ताद शफकत अली खान, और मेरे मामू उस्ताद रफाकत अली खान। तो उनके बाद फिर आई एम 12th जनरेशन। तो ये सीना बसीना आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, और कौन कौन से घराने होते हैं साहब? आप तो शाम चौरासी से हैं, पटियाला है, और भी पटियाला घराना है, ग्वालियर घराना है, और जैसे हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उधर बहुत बहुत बड़े घराने हैं। तो घराना जगह के नाम से बनता है, लाइक एक खास प्लेस के नाम से वो घराना, वहाँ से अगर आप जन्म लेते हैं और अगर आप गाते हैं वहाँ, तो वहाँ से फिर वो घराना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपका टैलेंट जो है वो तो हम आगे लोगों को दिखाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल यू नो बाथरूम सिंगर बनता है इंसान पहले, उसके बाद वो कहता है कि मैं अब गाना गा सकता हूँ, और गाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ने बड़ा टैलेंट भी दिया होता है, खुदादाद सलाहियतें भी होती हैं, लेकिन ये जो लेगेसी को होल्ड करना, और ख़ासतौर पर घराने में पैदा होना, और फिर उस सिंगिंग को सीखना, ये कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि मुझे पता चला है कि आप लोगों को सुबह सवेरे उठना पड़ता है, बड़ी रियाज करनी पड़ती है। सर, अब तो खैर दौर बदल चुका है, ये तो बस एक आप कह सकते हैं कहानियाँ बन गई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप इतने बड़े घराने से आप जुड़ जाते हैं, आप उनकी औलाद हैं, तो फिर जिम्मेदारी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, उम्मीदें लोगों की मज़ीद जुड़ जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बुज़ुर्गों ने अपना एक बहुत बड़ा एक मार्क सेट कर गए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी उस तक पहुँच जाएँ, तो ये अल्लाह की कोई मेहरबानी है और आपकी मेहनत है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि सर हम अपने घराने की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ, वहाँ परफॉर्म करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि इज़्ज़त मिलती है। स्पेशली हम पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के जाते हैं वहाँ, तो ये अल्लाह का करम है कि मुल्क को भी इज़्ज़त मिलती है और घराने को भी इज़्ज़त मिलती है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह कि आपको पता ही है कि हर बंदा जो है वो गायक नहीं बन सकता, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होना ज़रूरी है जिसको देखते हैं कि ये वो बन सकता है, इसको प्रैक्टिस करवाई जाए? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ सर, ये भी एक अल्लाह की एक गिफ्ट होता है, इट्स गॉड गिफ्टेड थिंग। घराने में भी कुछ ऐसे लोग हैं, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यू नो नॉट गिफ्टेड, दे आर नॉट ब्लेस्ड विद दिस टैलेंट, तो ये भी अल्लाह देता है, अल्लाह की तरफ से आता है। और लाइक बचपन से मैं गाता था, और मुझ में था, दैट्स वाई मेरे दादाजी को नज़र आया और मैं शायद सिंगर बन गया। तो ये भी अल्लाह की देन हो, लेकिन हर बंदा भी नहीं गा सकता, और जिसको अल्लाह दे वही गाए, और वो सीख के गाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने अक्रॉस द बॉर्डर काम भी किया, ट्रैवल भी बहुत सारा किया, तो पाकिस्तान भी विजिट किया होगा, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। बताइए, लास्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान के आपने विजिट किया, दोबारा जाना चाहते हैं?
मैं तो आई लव पाकिस्तान और मैं तो यही कहता हूँ कि जब हम लाइक यूरोप अमेरिका के जब खूबसूरत मनाजिर देखते हैं, सीनरीज हैं उनकी, तो एकदम अपना पाकिस्तान याद आता है। अच्छा, जो नेचर के भी अपने एक साउंड्स होते हैं, आप माउंटेन पे जाते हैं अलग फील होती है, यू नो हवा चल रही है, पत्तों की आवाज़ आ रही है, आप समुंदर पे जाते हैं, उन जगहों पर जाके जब आप गाते हैं या रियाज करते हैं तब कैसा महसूस करते हैं? सर, नेचर इज़ अ म्यूज़िक। अब जैसे हवा का एक साउंड है वो भी एक म्यूज़िक है, जैसे पत्तों की सनसनाहट है, बारिश का एक साउंड है, पानी का एक साउंड है, इन चीज़ों से म्यूज़िक निकला है। सो नेचर, मैं तो कहूँगा बहुत करीब है नेचर, म्यूज़िक तो निकले नेचर से। सो आई इन्जॉय नेचर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कभी कहीं नॉर्दर्न एरियाज में जाता हूँ तो जिसकी माई सुरमंडल आज मैं वो लेकर नहीं आया, दैट्स इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मैं वो उसको मिला कर फिर वहाँ जो राग का टाइम होता है, सुबह सुबह का वक्त हो या दोपहर का या शाम का वक्त हो, उस टाइम का राग मैं उसको ट्यून करके वो गाता हूँ तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। लाइक अच्छा, अब आपसे बातें तो हम बहुत सी करते रहेंगे लेकिन साथ साथ जो है वो रूह की ग़िज़ा जो है वो भी होती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो कुछ हो जाए हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए? जी बिल्कुल, अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया है सूफी स्कोर के नाम से, तो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो वहाँ मैंने एक काविश की है तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। ज़रूर ज़रूर। लाख जतन कर हारी रे मैं तो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, माने ना पिया हमरी बात देखो, माने ना पिया हमरी बात देखो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, सोतन संग वो प्यार करते हैं, अब नहीं देखे हमरी तरफ रे, उसकी बात ही माने सारी देखो, लाख जतन कर हार रही, लाख जतन कर आर रही, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मोसे बोले ना। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा शुजात, मुझे इस हवाले से बताइएगा ज़रा, कंप्लीट स्टोरी तो आपको ही पता होगी, आपने अक्रॉस द बॉर्डर काम किया है, ट्रैवल किया है, लोगों के साथ इंट्रैक्शन किया है, लोग आपको मानते हैं, जानते हैं, आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ ने आपको नेशनैलिटी भी ऑफर की हुई है, लेकिन आपने रिजेक्ट की और आपने कहा नहीं, आई लव पाकिस्तान और मैं पाकिस्तान को ही रिप्रजेंट करूँगा हर प्लेटफॉर्म पर, इसके पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी ये कि सबसे पहले तो आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया और इस मुल्क ने हमें पहचान दी। सो ये सबसे बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी अता है। सो क्रॉस द बॉर्डर भी यही कि बचपन से मैं गाता था, सो कॉलेज मैंने अभी स्टार्ट ही किया था, लाइक इंटरमीडिएट मैंने अपना किया था, तो मुझे एक ऑफ़र आई सारे गामा पा प्लेटफॉर्म है, तो गुलाम अली खान साहब ने मुझे पूछा कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो ऑडिशन दूँ आके, तो मैंने वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ बग्गा भाई भी थे, सार अली बग्गा जी, तो उनके स्टूडियो में मैंने वो ऑडिशन दिया था, उसमें मैंने कुछ भी गाया तो बड़ा पसंद आया उनको और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन्होंने, देन फिर मैं वहाँ गया। उसके अलावा फिर एक परफॉर्मेंस यही जो मैंने खमाज आपको सुनाया है मोरा सैया, उसमें आशा भोसले जी महागुरु बन के वो वहाँ बैठी हुई थी, सो हमेशा शमिया, शंकर महादेवन, आदेश, प्रीतम, ये सब बड़े बड़े जो वहाँ के, आई यूज्ड टू वॉच दैट प्रोग्राम, सो एट दैट टाइम आई हैड लॉन्ग हेयर, अब कटवा लिए, अब कम पहचानते हैं लोग, जस्ट किडिंग, लेकिन अब आपको पहचान गए सर, थैंक यू। तो फिर जब मैंने ये गाना गाया तो सब रोने लग गए, उनको बड़ा टच किया, वो अच्छा लगा उनको, तो तब से फिर इंडिया में मेरा लाइक पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में तो खैर आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री,
तो बहुत फिर तब से मेरा वहाँ पूरी दुनिया में नाम हुआ। यानी अभी जो आपने गाया सहर तारी कर दिया, अभी तो म्यूजिक नहीं था। अच्छा ये बताइए कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी घरानों में फिर आके क्या मुख्तलिफ हो जाते हैं या हर किस्म के इंस्ट्रूमेंट के साथ आप लोग? नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो वही रहते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि जो सुर हैं दुनिया में वो 12 सुर हैं पूरी दुनिया में, उनको गायकी का अंदाज बदल जाता है। जैसे अरब का कुछ और हो जाता है, अफगानिस्तान में कुछ और बन जाता है, इंडिया पाकिस्तान का कुछ और है, अंदाज बदल जाते हैं, सुर वही हैं, राग भी वही हैं, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट भी वही हैं। जैसे अब हारमोनियम है हमारा जो पंजाब का है, यहाँ तानपुरा एक इंस्ट्रूमेंट है, सितार है, तो ये तो वही हैं, इनको बजाने वाला वो बदल जाएगा, उसका अंदाज बदल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे हम ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे कि कहा जाता था पहले कि जी बारिश नहीं हो रही तो एक म्यूजिशियन को बुलाया, और तानसेन के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो राग गा के आग लगा देते थे। ये बताइएगा कि क्या मतलब जगह जगह के हिसाब से राग भी अलग होते हैं, जब आप पहाड़ों पे जाएंगे अलग राग है? बिल्कुल, राग पहाड़ी है ना वो। अभी मैं आपको थोड़े पहाड़ी सुनाता हूँ। जरूर जरूर जरूर। हाँ सैया बिनागर सोना सोना, सैया बिनागर सोना सोना, सैया बिना गर सुहू। ये पहाड़ी का अंदाज है। सुना सैया बिना गर सुहूना, जाए बसे सैया, जाए बसे सैया, पहाड़िया की ओट सैया बिना गर सुहूना। पादा सारे गरे गामा पादा मा पागा मा रे गरे गरे धनी रे धनी धपा, पादा सारे गामा पादा मा पादा नी गरे नी पगरे नी बसा, सैया बिना गर जुहून। तो ये राग पहाड़ी है, इसमें ठुमरी मेरे दादाजी ने कंपोज की थी और ये बड़ी पॉपुलर है पूरी दुनिया में। सो राग पहाड़ी है। फिर जैसे अभी शाम का राग लें, पूरिया धनासरी एक राग है, उसका वक्त हो जाता है, एमन कल्याण है वो, हजरत अमीर खुसरो ने बनाया, तो राग भी बड़े बड़े खूबसूरत बनाए उन्होंने। टाइम टू टाइम भी मतलब सुबह का अलग राग है, शाम का अलग राग। बिल्कुल, उनके मूड भी हैं, उनके मूड होते हैं। अच्छा। जैसे पहाड़ी का जो इसका तासुर जो है, मूड है उदासी का, तो आप जुदाई का है इसका। मॉर्निंग शो में आप मौजूद हैं, सुबह सवेरे का भी एक राग लगा दें। सुबह सवेरे का तो राग एक राग टोड़ी है जी, मियाँ की टोड़ी, मियाँ तानसेन जी ने ये राग बनाया था। अच्छा। अब मोरे नैया पार करोगे, अब मोरे नैया पार करोगे, हजरत निजामुद्दीन ओलिया, अब मोरे नैया सारे गम दफा पादा दम, गरे 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 सारे का सारे सा, गरे सारे गम गरे गम नानी दफा मा गरे गरे सा, अब मोरे नैया पार, अब मोरे नैया। मैं तो ये सोच रहा हूँ उसके पीछे कितनी इनकी मेहनत होगी, कितनी इनकी प्रैक्टिस होगी, तभी जाके इतनी ज्यादा जो है वेरिएशन। और मेरा मन कर आप बिल्कुल मत रुके, कुछ और भी सुना दीजिए। ये जो आप चीजें सुन रहे हैं इनको रचाने के लिए एक माहौल चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं गा रहा हूं और वो ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है सब। बिल्कुल, ऐसे ही आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी आपने सुबह का गाया तो एकदम दोबारा से जो है ना फ्रेश हो गए हम लोग। थैंक यू वेरी मच। उसका ये भी मैं कहूंगा कलर्स का भी बड़ा होता है। You both looking very nice today. Thank you. I like your, mashallah, the color आपने जो पहने हुए हैं। Thank you very much. तो ये भी एक साउंड क्रिएट करते हैं, कलर से भी इंसान का एक मूड बन जाता है। आपको भी अल्लाह खुश रखे दोनों। चलिए कुछ और भी सुना दीजिए। मैं काफी सुनाता हूँ मेरे ग्रैंडफादर की, उस्ताद सलामत अली खान। जी 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 जी, सुनाए। तो वो बड़ी खूबसूरत काफी है। We are interested more in listening, you know. अच्छा। So. रे ना हर वेले तांगा यार दियां, ते मैं बैठी का गुडरा
हाँ फाला पावा मैं ता कासद भेजा मैं ता थी गई हाल बीमारा सोना यार बाजो हुण जीवन को सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेंडे अंदर दर्द हजारा यार फरीद हुण मैं एवें रोवा हो जिवें बिछड़ी कूंज कतारा सावल मोड़ मुहारा हाँ तत्ती रो रो मैं वाट निहारा सावल मोड़ मुहारा मन मन मनता पीर मनावा सड सड जोशी मैं फाला पावा मुला कोलो तावीज लिखावा मैं तो कर दिया जितने हजार मैं तो कर दिया जितने हजारा सावल मोड़ मुहारा ब्यूटीफुल मैं कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत। आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि लोग फ्यूजन कर रहे हैं जी, तो क्या कोई नया अपकमिंग प्रोजेक्ट उसके भी अगर एक आध बोल आप हमें सुना दें क्या करने जा रहे हैं? नया तो अभी अभी तो वो सरप्राइज है तो अभी उसको डिस्क्लोज रिवील नहीं कर सकते। बट आर यू वर्किंग ऑन इट? आई एम वर्किंग ऑन इट एंड लेकिन जाते जाते एक बड़े खूबसूरत मैं मुझे गजल याद आ गई मैं डिस्कवर पाकिस्तान की और आपके देखने वालों की नजर जरूर जरूर आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें क्या ना करो आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, जाते जाते जो है आप एक ऐसी ऐसा गीत एक ऐसी गजल गा गए हैं कि वाकई जी नहीं चाह रहा कि आप जाएं। बहुत शुक्रिया और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, चार चांद लगाने के लिए। इट्स लवली टू हैव यू हियर। आपका, आपकी पूरी टीम का और पूरे चैनल का थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर एंड अब सबको बहुत बहुत सलाम और अल्लाह हाफिज। आपने मुलाहिजा किया, देखिए ये है वो गायकी, ये है वो रूह की गिजा और आप लोग जो है आपने मुलाहिजा किया होगा शुजात के बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आइंदा आने वाले हैं तो आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हैप्पी पेट्स। तो जी आज जो हम क्यूट सी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे पेट्स के हवाले से वो कुछ इस तरह है कि उसमें किटन्स हैं और टाइनी चिक्स हैं और वो आपस में खेल रहे हैं और आप देखेंगे कितने मज़े से वो खेल रहे हैं कि अमूमन कहा ये भी जाता है कि ये दोनों आपस में दुश्मन हैं और ऐसा होता भी है लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये दुश्मन तो है ही नहीं, ये तो दोस्त हैं जिस तरह आपस में शरारतें कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और खाना खाते हुए एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं और फिर बातचीत करते हैं।
इतनी रिलैक्सिंग थी ना ये वीडियो, इतना अच्छा लग रहा था। आमतौर पे बिल्ली जो है वो चूजे को खा जाती है, लेकिन ये तो प्यार कर रही थी और इतने फ्लफी से थे आप देखिए वो चूजे भी और बिल्ली की वो भी फील, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था नजफ। और मेरे ख्याल से जो लोग पेट्स रखते हैं वो उसको वाकई एक्सपीरियंस भी करते होंगे। आपको पता है हमें क्यों ज्यादा अच्छा लग रहा था? क्योंकि जिसने ये पेट रखा है उसने इनका ख्याल रखा है, उसने इनको ट्रेन किया है। और साफ सफाई आपने देखा ही था कि कितनी खूबसूरती से हर चीज़ की साफ सफाई हुई हुई थी, खाने का जो उनका वो बर्तन था और वो जो केज था। तो जब भी आप घर में पेट रखिए तो उसका ख्याल रखिए, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये भी जानदार हैं और अगर आपने इनको रखा है तो फिर इनका ख्याल रखें, इनके खाने का, और इनको गर्मी से बचाएं और सर्दियों में सर्दी से बचाएं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है टुडेज चैलेंज। तो जी इस सेगमेंट में जो सलमान मेरा और हमारी पूरी टीम का फेवरेट सेगमेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और वही चैलेंज आपको देते हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होता है, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए होता है। तो बताइए सलमान, आज कौन सा चैलेंज है हमारे जी पास? हाँ, आज भी हम एक चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान ही की बेहतरी के लिए नहीं होता बल्कि हम सब के लिए होता है, क्योंकि हम सब में जो है कुछ ऐसी आदत होती है जिनको हमें छोड़ देना चाहिए और बहुत सी ऐसी आदत है जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। अच्छी आदत जो है वो अपनाएं, माशरा जो है वो एकदम आप देखेंगे कि बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आज जो चैलेंज हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं दैट इज वाटर फॉर बर्ड्स इन समर। आपको पता है गर्मियों में हम सबको बहुत प्यास लगती है और हम खुद तो पानी की बॉटल उठाए फिरते हैं, बार बार पानी पीते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए अपने इर्द गिर्द हमारे जो चरिंद परिंद हैं उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए जो है आप पानी रख सकते हैं अपनी छत के ऊपर, बिल्कुल, आप मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पॉट में, आप अपने लॉन में पानी रख सकते हैं, आप अपने गार्डन में पानी रख सकते हैं, आप छत पे पानी रख सकते हैं, आप टेरेस पे पानी रख सकते हैं, कि आप बर्ड्स आपके घर आए और पानी पिए गर्मी के टाइम पर, और सवाब भी मिलेगा और इस तरह आप उनका केयर भी कर सकें। क्योंकि हमने ही वो बोल नहीं सकते सलमान, हम तो फिर भी प्यास का इजहार कर देते हैं, हमें प्यास लगी है, गर्मी लग रही है, लेकिन वो बात नहीं कर सकते, तो आपने उनका ख्याल रखना है। एग्जैक्टली और बहसियत इंसान ये हमारी इंसानियत के लिए जो है ये उसकी आप कह लीजिए कि नुमाइंदगी करती है कि हमने इन तमाम तर मखलूक जो है इनका, इन जानदारों का भी ख्याल रखना है और ये एफर्ट हमने करनी है। मैं और नजफ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज से मजीद इसका ख्याल रखेंगे, आप लोगों ने भी इसको प्रैक्टिस करना है और इस हवाले से एक वीडियो बनाकर जो है वो हमें भेजनी है। और इसके साथ साथ ये था आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बताइएगा अपने फीडबैक से कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बहुत अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं, हम उसको अपने सेगमेंट में, अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। और टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये जो चैलेंज आप एक्सेप्ट करें इसकी वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से जो है फौरी तौर पर अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं। आप इसके अलावा जो है फेसबुक पर और इंस्टा पर भी हमारे जो पेजेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी हमें अपनी सजेशन जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही सलमान खान और नजफ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।